खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पूर्व विधायक अनिल धीमान ने केंद्रीय मंत्री का जताया आभार। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से, जहां भोरंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान ने केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन भारत सरकार नितिन गडकरी जी और हमीरपुर के सांसद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में 4,000 करोड़ सड़क परियोजना के ऊपर जो खर्च हो रहे हैं, यह मोदी की गारंटी है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और सड़कें यहाँ यातायात का मुख्य साधन है। यह अपर हर्ष का विषय है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के गरिमाई उपस्थित में नितिन गडकरी के कर कमलों में आज हमारे हमीरपुर में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग और एक रोपवे परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास हुआ है। कनेक्टिविटी से जुड़ी यह सौगातें हिमाचल प्रदेश को प्रगति पथ पर और गति से आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। हिमाचल के हित में हुए इन लोकार्पण व शिलान्यास के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व सांसद हमीरपुर अनुराग सिंह ठाकुर का आभार प्रकट करता हूँ। इस मौके पर भोरंज भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक ठाकुर, भोरंज महिला मोर्चा अध्यक्ष अंजना ठाकुर, अध्यक्ष भाजपा महामंत्री विपिन अग्निहोत्री, महामंत्री वरिष्ठ महिला मोर्चा सरोज, किसान मोर्चा अध्यक्ष प्रवीण, मीडिया प्रभारी संजय सत्य रावत, कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट ब्यूरो चीफ रतन चंद की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मेरे साथ हैं यहाँ पूर्व विधायक अनिल धीमान जी। आज इनसे जानेंगे, आज जो गडकरी जी आए थे उन्होंने क्या कहा, इससे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज गडकरी जी आए थे, जो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आदरणीय गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए और ख़ासकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जहाँ तक सड़कों और आवागमन की बात है, मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा सिलसिला जो सोच थी कि सड़कें ही किसी क्षेत्र की भाग्य रेखाएं होती हैं, ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से शुरू हुआ था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और आज वही योजना बढ़ते बढ़ते नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस हाईवेज तक पहुंच गई है। कल आदरणीय गडकरी जी ने 4,000 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास हिमाचल प्रदेश में किए सड़कों से संबंधित और जो रज्जू मारे उनसे संबंधित, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि लगभग 3,000 करोड़ के जो कार्यक्रम थे वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए आदरणीय गडकरी जी देके गए हैं। मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जी। सर कांग्रेस का कहना है कि अभी जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तब ये घोषणा करें, पहले क्यों नहीं आए, क्या कहेंगे इसके बारे में? कांग्रेस वालों को मुझे लगता है कि अपना चश्मा जो है वो हटा के देख लेना चाहिए, क्योंकि पिछले लगातार 10 वर्ष से अविरल जो विकास भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार के शासनकाल में हुआ है और पिछले 5 वर्ष श्री जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में हुआ है, उसके ऊपर अगर ये नज़र दौड़ाएँ तो हमारे पास अब नेशनल हाईवेज भी हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रज्जू मार्ग हैं, हवाई अड्डे हैं, और आज से पहले हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, आज से पहले यहाँ ये सब कुछ नहीं था क्योंकि इन लोगों की विकास करने की सोच ही नहीं थी। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों ने विधानसभा चुनाव भी झूठ बोल के जीता और अब लोकसभा चुनाव सिर पे हैं, तो ये और झूठे वादे जो हैं वो लोगों से करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे पक्का विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की जनता अब इनके झूठे वादों में नहीं आएगी।